हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द क्रीपी क्लाउड। तो आज का जो टॉपिक है वो है डज राइटिंग मैटर्स, मतलब एग्ज़ाम्स में क्या राइटिंग मैटर करती है। जी हाँ, एग्ज़ाम्स में राइटिंग 100% मैटर करती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, देखो प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम की कॉपी चेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। देखो, ये आपका एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। ये एक रूम है जिसमें लाखों कापियाँ भरी हैं, ठीक है, लाखों कापियाँ। यहाँ पर मान के चलिए कुछ 50 टीचर हैं, ठीक है। अब भाई ये 50 टीचर हैं, और जो टीचर होता है ना, उसका दिमाग ना बहुत ख़राब होता है। तो इन सब का दिमाग बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इनका जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस टेम्परेचर को थोड़ा लूज़ करना है, इस टेम्परेचर को थोड़ा कूल करना है। कैसे करना है, अपनी राइटिंग के बेस पर। अगर आप वही, अभी आपको जैसे लिखना है कि माई नेम इज़, जैसे मुझे लिखना है माई नेम इज़ हर्षित, ठीक है, माई नेम इज़ हर्षित। अब मैं ऐसे लिखूँगा तो आपको समझ आता है। अभी मैं लिखूँगा माई नेम इज़ हर्षित, तो आपको नहीं समझ आएगा। तो वैसे ही टीचर होता है ना, वो इरिटेट हो जाता है आपकी कॉपी से। तो आपको कॉपी कैसे लिखनी है, डज राइटिंग मैटर्स। तो मेरा आंसर यहाँ पर आएगा यस। देखिए, मैं राइटिंग बनाने जा रहा हूँ, भोकाल दिखाने जा रहा हूँ आपको। यस यस, राइटिंग मैटर्स। राइटिंग मैटर्स, तो भाई क्या मैटर करेगी राइटिंग? तो राइटिंग कुछ मैटर करना चाहिए, आपको कुछ आना भी तो चाहिए ना उसके लिए। राइटिंग आपको, देखो राइटिंग आपको इंग्लिश की लिखनी है तो आप सिंपल वे में राइटिंग लिखिए। आपको लिखना है जैसे कि रामायण, तो आप एक रामायण ऐसे भी लिख सकते हो, रा मा यना, ठीक है, आप रामायण ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ कॉपी में लिखोगे एग्ज़ाम की, तो नहीं अच्छा लग रहा ना थोड़ा। तो आपको वहाँ पर प्रोफेशनल राइटिंग लिखनी है, तो आपको लिखना होगा रा या ना, तो आपको ये लिखना होगा वहाँ पर। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके जगह पर। अगर मैं अभी यहाँ पर अपना नाम लिखूँ ऐसे कर्सिव में, तो कैसा रहेगा आप अभी देखिएगा। तो मुझे लिखना है अपना नाम हर्षित, ठीक है, हर्षित सिंह, ठीक है। तो अब ये एक ऐसा नाम, अभी मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ जैसे कि मैंने यहाँ रामायण लिखा हुआ है, तो ये है हर्षित सिंह। आप खुद देख सकते हो कि कितना फर्क है एक प्रोफेशनल राइटिंग में और एक इम्प्रोफेशनल राइटिंग। मतलब आप ऐसे ही लिख रहे हो, मतलब अपने मज़े के लिए। तो आपको एग्ज़ाम्स में लिखना है वो ये राइटिंग है, जो एक जो एग्ज़ाम्स की होती है ये प्रोफेशनल राइटिंग होती है, ये प्रोफेशनल राइटिंग है। तो अगर आपको हेडिंग्स डालनी है तो इसी से आप डालेंगे, ऐसे ही हेडिंग डालेंगे, आपको ऐसे ही हेडिंग डालनी है ताकि आपके नंबर्स जो हैं वो इम्पैक्ट ना करें उसको। और अगर आपको हिंदी लिखना है तो सेम चीज़ ऐसी। और अगर आपको स्केच कैसा काटना है, देखो जैसा कि आप ये स्केच देख रहे होगे, तो अगर आपको स्केच काटना है ये, तो ये कुछ देखिए कटा हुआ है, ये कैलीग्राफी के लिए काम आता है, ठीक है। ऐसे मैंने एक काट के बनाया हुआ है, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था। तो अगर आपको भी ऐसे ही करना है तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, वो चैनल पे पड़ी हुई है, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको हिंदी लिखना है, तो आपको हिंदी लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम बिल्कुल यूनिक तरीके से, ठीक है। देखिए, अगर आपको लिखना है कोई अच्छा शब्द, जैसे आपको लिखना है समय, ठीक है, तो समय लिखना है आपको, ये देखिए, ठीक है, समय। या फिर अगर आपको लिखना है काम, ठीक है, जैसे आपको लिखना है साहित्य, सॉरी साहित्य, तो ये आपको एक यूनिक लग रहा है ना, एक यूनिक वे में अगर आप ऐसे राइटिंग डालोगे और उसके आगे फिर ऐसे डॉट्स बना दीजिए आप ऐसे,
जैसे बुक्स में होता है, तो जब एग्जामिनर कॉपी ओपन करेगा ना, तो उसको थोड़ा एक यूनिक चीज़ें मिलेंगी, तो उसको बहुत मज़ा आएगी कॉपी चेक करने में। वो थोड़ा साफ साफ लगेगा देखने में, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो उसको बहुत अच्छा फील होगा। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपसे, तो बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है, आपको ये याद रखनी है, ये बात याद रखनी है, डज राइटिंग मैटर्स, और आपको उसका आंसर याद रखना है, येस राइटिंग मैटर्स, राइटिंग ऑलवेज मैटर्स। लेकिन आपको एक एक बात ये भी याद रखनी है कि आपकी राइटिंग को ज़्यादा अच्छी ना हो, ताकि ये ना लगे एग्जामिनर्स को कि आपने कहीं अलग यूनिकली बैठ के 6-7 घंटे में अपनी कॉपी लिखी है। थोड़ा सा मतलब मीडियम वे में रखिए अपनी कॉपी को, ठीक है? अगर आप लकी हो गए तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर आपने मैटर कम लिखा है, राइटिंग अच्छी है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और अगर आपको ऐसी लिखनी है और अगर आपको ऐसा स्केच रखना है, तो प्लीज़ जाकर उस वाली वीडियो को देखिए और जान जाइए कैसे आपको स्केच काटना है और कैसे ऐसे लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और उनको दिखाइएगा कि आप वो अपनी राइटिंग कैसे सुधार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।